थे दादी? बस एक सेकेंड, जब मैं तीन कहूंगी तब आंखें खोलना। एक, दो, तीन। सरप्राइज। ये क्या है? साइकिल्स हैं। साइकिल्स ऐसी भी होती हैं क्या? अरे अरे, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? ये आपने बनाई है? हाँ मैंने बनाई है। चलो आ जाओ बैठते हैं। क्या बात है आपकी? हाँ ऐसे पसंद आई तुम्हें? हाँ पसंद आई, मगर चलाएंगे कैसे? अच्छा मैं भी बैठ गई। तुम तैयार हो? हाँ। चलो फिर, एक दो तीन, चलो चलते हैं। हम जा रहे हैं। चलाओ गुल चलाओ। शाबाश, बिल्कुल नहीं रुकना। नहीं रुकूंगी, बिल्कुल नहीं रुकूंगी। परिंदे भी हैं, देखो आसमान भी है दूर तक। चलती जाओ, जहाँ तक तुम जाना चाहती हो जाओ। आपी, बहुत मजा आ रहा है। डरना नहीं, बिल्कुल नहीं डरना, मैं साथ हूँ तुम्हारे। जहाँ तुम दुनिया में सबसे ज्यादा खुश रहती हो वहाँ ले चलो, जहाँ तुमसे ज्यादा खुश कोई ना हो। शाबाश मेरी बहन, आगे बढ़ो। चलो गुल और तेज चलाओ। आपी, वाह! ऐसा लग रहा है जैसे मैं उड़ रही हूँ। मौत सुन पर यकीन रखो। अगर कोई यकीन नहीं करता तो ना करे। तुम यकीन रखो कि एक दिन कोई आएगा, कोई आएगा जो तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा मुआवजा होगा, तुम्हारा ख्याल रखेगा, और इसके लिए हर रोज दुआ करना। चाहे तुम उदास हो या फिर चाहे तुम खुश हो, अपने दिल की हर बात तुम दुआ में करना। अगर इंसान ख्वाब ही नहीं देखेगा तो उसके ख्वाब पूरे कैसे होंगे? तुम हमेशा याद रखना, फिर चाहे मैं तुम्हारे साथ हूँ या ना हूँ। Ben kuşlardan da küçüktüm bir gece vaktiydi. Nein kare, cycle gili ho jayegi. Nein kare na, aap hi samjhay na. Chalo apne haath kholo. Geçtim düşler sokağından bir gece vaktiydi. Acha chalo niche aa jao. Ceplerimde acı yatmazlar. Ben kuşlardan da küçüktüm bir gece vaktiydi. Aşk tuttu elimden beni. Geçtim düşler sokağından bir gece vaktiydi. Ceplerimde hacı yatmazlar. Yağmur yağsa, uykum kaçsa, bir kuş konsa hadi parmağıma. अपने दिल में नफरत नहीं भरने देना, उन्हें कभी भी अपनी उम्मीदों को मत तोड़ने देना। सबसे ज्यादा जरूरी है कि जिंदगी में अपनी फैमिली को कभी नहीं भूलना। तो कभी अगर तुमसे कोई गलती हो भी जाए तो ये नहीं सोचना कि तुम्हारे अम्मी बाबा तुम पर कितना गुस्सा करेंगे, बल्कि ये सोचना कि उन्हें कितना दुख होगा तुम्हारी गलती से। और अगर फिर भी तुम्हें कुछ ऐसा करना पड़ जाए जिससे उन्हें दुख हो, तो अपनी बात उन्हें जरूर समझाना और देखना कि वो तुम्हें माफ कर देंगे। लेकिन हमेशा याद रखना कि तुम्हारी जिंदगी का फैसला कोई और ना करे। Gel yanıma.
इसे वहां लेकर जाओ। हाँ बस यहाँ पर रख दो, ठीक है। हसन, मुझे थोड़े पत्ते लाके दो। सारे नहीं लाने थे, मैं पकड़ूंगी कैसे? अरे माशाल्लाह, बहुत अच्छे लग रहे हो भाई, बाल भी बहुत अच्छे बनाए। हाँ शुक्रिया मेरे भाई। क्या सब कुछ तैयार है दादी जान? रेयान आने वाली है। बहुत जल्दी में करना पड़ा सब कुछ। दादी आखिर आप करना क्या चाह रही हैं? हाँ मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या यहाँ कोई जनाजा उठ रहा है या शादी होने वाली है? मेरान बेटा, काजी साहब आ गए हैं। अस्मा खाला, रियान के आने से पहले ये सारे काले कपड़े उतार दीजिए प्लीज। ठीक है बेटा। तुम्हें जल्द अज जल्द अपनी बीवी बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? सब कुछ तैयार है और निकाह रजिस्ट्रार भी आ गया है। क्या मैं तुम्हें लेने आ जाऊं? जहरा बेटा, आ जाओ, मैंने कॉफी तैयार कर ली है वरना ठंडी हो जाएगी। क्या तुम रियान से शादी करने में जल्दी नहीं कर रहे? दरअसल रियान ऐसा ही चाहती है, उसे अपने जज्बात पर एतमाद हो गया और अब इंतजार करने की वजह भी नहीं बची कोई फिरात। जब तक वो दूर होगी मैं उसकी हिफाजत नहीं कर सकता और ना ही उसे दुखी रहने दे सकता हूँ। अच्छा है मेरी आंखों के सामने रहेगी तो हम दोनों ही खुश रहेंगे और मुझे सुकून भी रहेगा। मैं समझता हूँ ये वजूहत और तुम उससे शादी भी करना चाहते हो, पर मुझे रियान की समझ नहीं आ रही है भाई। पहले उसने मना किया, अब अचानक उसने हामी भर ली। ऐसा क्या हुआ जो उसने अपना इरादा बदल दिया? हाँ जानते हो ना उसे अपनी फैमिली छोड़नी होगी। क्या तुम्हें यकीन है वो सब कर लेगी? मुझे जितना यकीन रियान पर है इतना मुझे किसी और पर नहीं है। मैं उसे अपने दिल से देखता हूं, दिमाग से सोचूं तो इससे बाहर नहीं निकल पाऊंगा। क्या हम निकल रजिस्ट्रार को फजूल में इंतजार तो नहीं कर पा रहे बेटा? क्या पता रियान का इरादा बदल जाए। आखिरकार वो उस खानदान से है जिसके वादों पे यकीन नहीं किया जा सकता। शायद वो पूरी रात सोचती रही हो इस बारे में। शायद उसे एहसास हो गया हो कि वालदैन को छोड़ देना मुश्किल होगा उसके लिए। या हो सकता है कि उसको अपना खानदान तुमसे ज्यादा अजीज हो। मेरी जान, आप मेरे बाल देखें। हाँ। और बताएं मुझे कि खुशबू कैसी है? अच्छा अभी चेक करता हूँ। वाह क्या खुशबू है, जबरदस्त। भाई मुझे तो ये खुशबू बहुत ही पसंद आई है मेरी प्यारी बेटी। ओह मेरी प्यारी बेटी जहरा, मैंने दुनिया में कौन सी ऐसी नेकी की है कि जिसके सिले में मुझे इतनी प्यारी बेटियां मिली हैं, है ना? रियान जब तुम भी छोटी थी तो इसी तरह तुम भी भाग भाग कर मेरे पास आती थी। याद है तुम जिद क्या करती थी कि तुम्हारे बाबा ही बाल बनाएंगे, अगर मैं बनाऊंगी तो तुम्हारे सर में दर्द होगा। आप कहते थे कि जन्नत की खुशबू आ रही है। हाँ। क्या मेरे बालों से भी ऐसी खुशबू आ रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरी नजर में तो तुम दोनों बहनें जन्नत के खुशबूदार फूलों की तरह हो और मेरे लिए जन्नत का दरवाजा। आ जाओ तुम भी मेरे पास आ जाओ, आओ।
मेरी प्यारी बेटियां। मुझे माफ कर देना बाबा, मैं आपके लिए जन्नत का नहीं बल्कि जहन्नम का दरवाजा बन गई। बाजी सुने, हाँ? क्या मैं पेटी सोवेन में रख दूं या और इंतजार करूं? या अल्लाह, मुझे ही जाकर देखना पड़ेगा। खैरियत, मेहमान आ रहे हैं क्या? नहीं, ये तो रियान का फेवरेट है, काफी दिन से नहीं बनाया था तो मैंने सोचा आज बना लेती हूँ, खुश हो जाएगी। मजे के लग रहे हैं। हाँ, चलो इसे ओवन में रख दो। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, किस लिए? बस अम्मी, हर चीज के लिए, मेरी माँ होने के लिए, मेरे लिए पेटिस बनाने के लिए। ऐसा कह रही हूँ जिसे पहली बार बना रही हूँ। मैं बाहर बाग में जा रही हूँ। रियान, मैं भी तुम्हारे साथ आऊँ? पेटिस बनने में तो अभी टाइम है, मैं यहाँ पर क्या करूँगी? हाँ जरूर, लेकिन देर ना करना और वापसी पे जरा मिर्ची लेते आना। ठीक है ठीक है, मैं ले आऊंगी। चलो। अच्छा, अब तुम वापस चली जाओ, वो परेशान हो जाएंगी अगर तुम नहीं नजर आई, और फिर वो गुस्सा भी होंगी। और ये क्या है मलिका? आज तुम दुल्हन बनने जा रही हो ना रियान, और देखो बिना जहेज की जा रही हो। तुम, मैं जानती हूं कि तुम अपने नए घर में बहुत खुश रहोगी। और हाँ, तुम मीरान को परियों की कहानी सुनाना मत भूलना। वहां जाने के बाद तुम मुझे फोन तो करोगी ना? गुल का ख्याल रखना तुम बहुत, मेरी अम्मी का भी, मेरे बाबा का। जब वो उदास हो ना तो उन्हें बताना कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, ठीक है ना? अपना भी ख्याल रखना तुम मलिका। ठीक है, अब जाओ। हम एक बेहतर हल चाहते हैं शादी करवा के, वरना एक ही चीज बचती है। क्या चीज? मार दिए जाएंगे
शादलों वालों से आजाद मरेगा और असलान बे वालों की तरफ से मीरान। जरूरत पड़ने पर तुम्हें अपनी जान भी देनी होगी। हर हाल में मेरे बेटे को तुम्हें बचाना होगा। तुमने अपने लोगों को मीरान को मारने के लिए क्यों भेजा बताओ मुझे। तुम उस बंदे से नहीं मिलोगी। मैं मीरान के बगैर नहीं जी सकती। मैं अपनी बेटी को कैदी बनाकर नहीं रख सकता। खुश हूं मैं इससे, समझ आई? जिस घर में मैं रहता हूँ वो घर मेरी बेटी का भी है। मैं इस घर में रहूंगा तो मेरी बेटी भी रहेगी। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। और मरते दम तक भी तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन एक बात तुम हमेशा याद रखना, तुम उस शख्स से नहीं मिलोगी जिसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की। गलत किया मैंने, मुझे खुद लेने जाना चाहिए था। शायद वो किसी मुश्किल में है फिरात। हाँ यार, हो सकता है रियान के साथ कुछ हो गया हो। फिरात रिलैक्स, रिलैक्स हो जाओ मीरान, बस थोड़ा सा सब्र कर लो। अगर वो नहीं आई तो हम खुद लेने जाएंगे उसे। शुक्रिया। एक काम करो, रेहान को बुलाकर लाओ, कहो पेटी तैयार है। जी ठीक है, मैं भी बुलाकर लाती हूँ। नहीं, मैं यहाँ खड़े नहीं रह सकता, मैं रेहान को लेने जा रहा हूँ। मीरान रुको यार, मीरान। मैं डर गया था कि तुम नहीं आओगी। कैसे हो तुम नसू? सेहत कैसी है? ठीक ही होगी इंशाल्लाह। काम की बात करो अजीजा, मेरी सेहत की कब से फिक्र होने लगी तुम्हें? ये बताओ फोन किसने किया और अब क्या बोलने वाली हो तुम अपने इस मनहूस मुंह से? तुम ये कैसे बात कर रहे हो नसू? हम बहुत जल्द एक खानदान होने वाले हैं। खैरियत तो है, मैंने तो इसलिए फोन किया कि जान सकूं कि नसू आगा की तबीयत कैसी है जो अपनी अजीज तरीन पोती की शादी में शरीक नहीं हो सका। क्या बोल रही हो तुम? हाँ, कैसा खानदान, कैसी शादी? अच्छा तो तुम्हें कोई खबर ही नहीं? मुझे लगा कि तुमने हशमत आगा के खौफ से रेयान को यहाँ भेजा है, लेकिन अब लग रहा है कि भाग के आई है मीरान के प्यार में।
थोड़ी ही देर में तुम्हारी पोती साइन करके असलान बे बनने जा रही है। तुम क्या कहते हो नसू? देख लो तुम, किस्मत ने हमें एक खानदान बनाना चाहा है। नसू, ये तुम्हारे अच्छे दिन हैं। तुम्हारी पोती तुम्हारे लिए जहन्नुम की आग जमा कर रही है। जब तक तुम्हारी सेहत सलामत है, जितनी चाहो खुशियां समेट। बाबा, रयान! क्या हुआ बाबा? मैं उस दिन को कोसता हूँ कि मैंने उसका अपने हाथों से गला क्यों नहीं दबाया। मुझे तो बताइए क्या हुआ। बाबा आप ये क्या कह रहे हैं? रयान, क्या ये काफी नहीं था? वो तुम्हारी मनहूस लड़की अब तक हमें बदनाम करती रही और आज तो उसने हद कर दी है। वो दुश्मन के पास चली गई इसलिए कि वो हमारे दुश्मन मीरान से शादी कर ले। दुश्मन की बीवी बनने चली गई, समझ गए तुम? हमारी बची कुछ इज्जत मिट्टी में मिला दी उसने। मैंने कहा भी था सबसे, मैंने कहा था कि ये लड़की मीरान को चाहती है, लेकिन किसी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया। मैं अच्छी तरह जानता हूँ मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। यकीनन वो औरत आपसे झूठ बोल रही है। वो इस तरह की बातें करके हम सबको एक साथ लड़वाना चाहती है। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं इस बात का आपको सबूत देता हूँ। जहरा, रेहान को लेकर आओ, जाओ ना। रेहान, रेहान कहाँ हो तुम? जवाब क्यों नहीं दे रही वो? मेरी बेटी नहीं कर सकती, मेरी बेटी नहीं कर सकती। अजीजा कह रही है उसने किया है। ऐसा नहीं कर सकती, मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मेरी बेटी मुझे इस तरह रुस्वा नहीं कर सकती। हो सकता है उसे अगवा करके ले गया हूं। बेटी, मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये सब उन्हीं लोगों का काम है। मैं जा रहा हूँ अपनी बेटी को लेकर। रुक जाइए। जान, रजा से कहोगे खिजर के पीछे जा। रजा, रजा। शुक्रिया मीरान। बेटा जल्दी से यहाँ आ जाओ। क्या तुम वाकई शादी का जुड़ा नहीं पहनना चाहते? बस हमारा निकाह हो जाए खैरियत से। ठीक है। रुको, अस्मा, तो आखिर तुमने सोच ही लिया कि शादुलों का नाम छोड़कर असलान बे खानदान का नाम अपना लोगी? दादी जान, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। चलो मैं तुम्हें असलान बे होने की निशानी देती हूं। ये वो निशानी है जो इंसान को हिम्मत देती है। अब से ये तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हें इसका हक अदा करना होगा। खुशकिस्मती है उसकी जो इसे पहने। क्या तुम्हें अभी अपने किए पे फख्र है गोनल? ये लॉकेट अब तुम्हारे हवाले है। ये उस वक्त तक तुम्हारी गर्दन के साथ रहेगा जब तक ये तुम्हारे लिए कयामत न बन जाए। असलान बे खानदान में खुशामदी। तकरीब जारी रख सकते हो तुम लोग। मैंने सिर्फ आपकी बात मानी और पेपर पर साइन कर दिया। देखें,
मेरी आंखों के सामने इन दोनों की शादी हो रही है और मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। बहुत अच्छा किया तुमने बेटी, आफरीन है तुम पर। अब आपकी बारी है, बताएं मुझे मेरा भाई कहाँ है। नीचे करें अपनी। किसी का लिहाज नहीं करूंगा, पीछे हटो। तुमने मेरी बेटी को क्या कहा है? किसी से डराकर मेरी बेटी को यहां पर लाए हो? हाँ फिरात, अपनी गन्स नीचे करो। आ जाओ बेटी, चलते हैं यहां से। डरो मत बेटी, किसी में इतनी जरूरत नहीं जो हमें रोक सके। आ जाओ चले यहां से। मुझे किसी ने नहीं डराया, मैं अपनी मर्जी से आई हूं यहां बाबा। क्या ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा मत कहो बेटी, मुझे सच सच बताओ, किस बात से डराया है तुम्हें इन लोगों ने? हाँ क्या कहा है तुमने मेरी बेटी को जो ये मान गई है? किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने भी दबाव नहीं डाला। मैं अपने दिल की सुन के आई हूं यहां। प्यार करती हूं मीरान से। क्या कह रही हो तुम? क्या क्या तुम खुद यहां आई हो अपनी मर्जी से? मगर बेटी तुमने हमें छोड़ दिया, अपनी अम्मी और कुल का भी नहीं सोचा है? मैंने आपको नहीं छोड़ा है बाबा,
अब यही हकीकत है कि हम दोनों साथ हैं। ये नामुमकिन है, इनकी बातों में मत आओ। ये तुमसे प्यार नहीं करता बेटी। तुमने एक बार यकीन किया है मीरान पर, दोबारा ऐसा मत करो। तुम्हें यहाँ से लेकर ही जाऊंगा मैं। चलो आ जाओ बेटी। हमारे घर की बहू को कहाँ लेके जा रहे हो तुम? एक बीवी की जगह हमेशा उसके शौहर के पास है। बस करो अजीजा मैडम, बहुत हो गया, बस कर दो। लो ये लो, खुद देख लो अपनी आंखों से। झूठ है ये सब। लो ये लो, खुद देख लो अपनी आंखों से। झूठ है ये सब। ये सच है बाबा, इस बार बिल्कुल सच है। क्या कहा? बेटी ये क्या किया, कैसे कर सकती हो तुम? तुम जानती भी हो कि इन लोगों ने कितना बुरा सुलूक किया था तुम्हारे साथ और हमारी कितनी बदनामी हुई थी पूरे शहर में। मेरा नहीं, कम से कम अपनी माँ का तो ख्याल करती। ठीक कहा बाबा आपने, मगर मेरा प्यार मेरे मासी पर गालिब आ गया। आज के बाद मेरा घर यही है और मैं भी अब यहीं रहना चाहती हूँ। मुझे किसी ने नहीं डराया, मैं अपनी मर्जी से आई हूं यहां बाबा। मैंने आपको नहीं छोड़ा है बाबा, लेकिन अब यही हकीकत है कि हम दोनों साथ हैं। भाई मगर मेरा प्यार मेरे मासी पर गालिब आ गया। आज के बाद मेरा घर यही है और मैं भी अब यही रहना चाहती हूं। अपने आप को संभालो तुम रेहान, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, अगर असलान भी खानदान की बहू बनना चाहती हो तो असलान भी की तरह रहो, नहीं तो। नहीं तो क्या, दोबारा मुझे भरे बाजार के बीच में फेंक आएंगी? रियान छोड़ो, जाने दो उसे, चीखने दो, चिल्लाने दो, ऐसे ही अपने अंदर से शादुलो खानदान का खून खत्म करेगी। हाँ। और हमारी कितनी बदनामी हुई थी पूरे शहर में। मेरा नहीं, कम से कम अपनी माँ का तो ख्याल करती।
उन लोगों को आदत हो जाएगी। सब कुछ वक्त पर छोड़ता हूं, यकीन करो हम दोनों इतने खुश होंगे कि तुम्हारे पापा उन समेत हर कोई कबूल कर लेगा हमें जल्दी। सिर्फ थोड़ा सा वक्त दो मुझे और थोड़ा सा सबर प्लीज। कितना वक्त दूं? 3 महीने या 5 साल? बाबा को जो जख्म आज मैंने दिया है क्या वो कभी भर पाएगा? और अम्मी, मैंने आज तुमसे शादी करके उनकी नजरों में अपनी जगह हमेशा के लिए खो दी है। ना मेरे बाबा और ना ही कभी अम्मी मुझे माफ कर पाएंगी। दिल दुखाया है उनका मैंने बहुत। वो लोग तो अपनी जान भी देने के लिए तैयार थे मेरे लिए, और मैंने क्या किया? रियान, मैंने उनकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मेरी वजह से अपनी नजरें नहीं उठा पाएंगे। क्या तुम्हें मुझसे शादी करके पछतावा हो रहा है? पहली दफा की थी तब पछतावा हुआ था, मेरी एक बात का जवाब दो तुम। क्या मुझे दोबारा शर्मिंदा करोगे कभी? आज के बाद अपने अल्फाज से नहीं बल्कि हमेशा तुम्हें खुश रखकर इस बात का जवाब दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हें सारा माजी भुलवा दूंगा, यकीन करो मेरा। इस बार जो शादी के लिए हां की है इसका तुम्हें कभी पछतावा नहीं होगा। कोई भी तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता।